स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिम नॉलेज में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के और जितने भी क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, HPPSC हो या HPSSC हमीरपुर हो। तो अगर आपका कोई भी इनमें से किसी एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया हो या आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते तो हम आपको यही कहेंगे कि इस चैनल पर आप जुड़िएगा। जो भी क्वेश्चन पेपर हो गए हिमाचल के हो या पंजाब हरियाणा, आप जिस भी स्टेट के हैं, आपके जो PSC के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं या आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो हम आपको इस चैनल के जरिए पहुंचाएंगे, इस चैनल हिम नॉलेज के जरिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, जो भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे उसका आपने जवाब ज़रूर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, चंबा रियासत के किस राजा ने अपने रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा बदली थी? क्वेश्चन नंबर 1 है और 60 क्वेश्चन हम करने की आज कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए था मेरू वर्मन, आदित्य वर्मन, साहिल वर्मन, सोम वर्मन, ठीक है। तो आपको बताना था इसमें से राइट आंसर क्या है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको इसी प्रकार के ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चंबा रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी भरमौर से, भरमौर ने ये उस समय का ब्रह्मपुर था, ठीक है, ब्रह्मपुर, ठीक है, आज इसका नाम भरमौर है, उस समय का ये ब्रह्मपुर था, ठीक है, तो ब्रह्मपुर से चंबा बदली थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है साहिल वर्मन, ठीक है, और इनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था चंपावती, ठीक है, साहिल वर्मन की, उन्हीं के नाम पर फिर चंबा का नाम पड़ा था, ठीक है। तो चंबा का नाम जो है ये साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर ए जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो आपका मुझे लग रहा है कि आपको अब नहीं भूलेगा ये। अगला क्वेश्चन था, नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में मऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए थे? क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसका आंसर बताना था। तो इसका जो आंसर है वो है ई जगत सिंह, ठीक है, इनके कार्यकाल में ये जितने भी इलाके थे, ठीक है, मऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले थे, इनको फिर मुगलों द्वारा, ठीक है, जीत लिया गया था। और नूरपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा था वो आपको पता होना चाहिए, जो जो नूर जहाँ थी, ठीक है, जो नूर जहाँ थी उनके नाम पर ये नूरपुर का नाम पड़ा था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, जालंधर और त्रिगत के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था? क्वेश्चन को आप समझिएगा, जालंधर और त्रिगत के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला, ठीक है, इनका इतिहास जो था जालंधर और त्रिगत के शाही परिवारों का, उनकी ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आपको बताना था इनमें से कौन था, ये सारे के सारे यूरोपियन ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कनिंघम, और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनकी स्थापना किसने की थी, ए कनिंघम, ठीक है, तो नाम मैच कर रहे हैं इसलिए आप इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत को जीत लिया था? आपको ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियासत जो थी इसको जीत लिया था, ये है 1803 में, ठीक है, और गोरखा जो थे मूलका की निवासी थी ये नेपाल के, ठीक है, अमर सिंह थापा का आपने नाम सुना होगा, क्या हुआ था, किस प्रकार से मारे गए थे, ठीक, वो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था, बोसर से रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? औरंगजेब आपको पता किस प्रकार का शासक था, ठीक है, तो इनमें से आपको नाम पढ़ कर ये उसी प्रकार औरंगजेब की तरह था, ठीक है, तो कहरी सिंह जो थे ऑप्शन नंबर सी, ये इनको छत्रपति का खिताब दिया था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन था, यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? आपको बताना था, यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो आपको बताना था, जंगती, मुंगसांग, हिसिडरस, स्तुद्री, ठीक है, स्तुद्री, इसमें जो आपका राइट आंसर लग रहा है आपको वो आपको बताना था यहाँ पे। तो इसका जो सी है वो सही है, ठीक है, और यूनान के लोग आए कब थे, जब सिकंदर महान ने अटैक किया था, ठीक है, इंडिया पर, उस टाइम ये यहाँ तक पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है, दंत कथाओं के अनुसार बानासुर जो ऊपरी शिमला का
शिमला के सरान क्षेत्र का शासक था, किस देवता ने मारा था? क्वेश्चन आपके आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। बानासुर आपने नाम सुना होगा, आपने अगर कोई धार्मिक सीरियल देखा है टीवी पर तो आपने बानासुर का नाम सुना होगा। माता पार्वती द्वारा उसका अंत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका, ठीक है, अगर आप ये सोचोगे इसमें कि क्या हो सकता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन नंबर जो सी है देव पुराण, ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन था स्वीति नदी का उद्गम स्थान कौन कहाँ है, ठीक है। ये आपको पूछा गया स्वीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो ये कुंजुमधारा ठीक होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बार आप देख लीजिए कि ए इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 था, वर्ष 2015-16 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस स्थान पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये बराड़ी, ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, सबड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग कितनी है? ये सबड़ा कुंडू परियोजना, जल विद्युत परियोजना जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसकी क्षमता जो है वो क्या थी, तो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 111 मेगावाट, ठीक है। और आपको बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ से पर ये लगाया गया था, ठीक है। हेलो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रोफिंग प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन दो जिलों में चलाया जाएगा, ये आपको बताना था। और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है इसलिए हम आपको ये सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा और चंबा का ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम में अभी भी आ सकता है, माता सबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र वर्ग की महिलाओं को गैस कनेक्शन खरीदने के लिए कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है, वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, 50% अधिकतम सीमा 1300 रुपये तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, शिमला जिले की जुब्बल तहसील में हाटकोठी स्थित हटेश्वरी मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से जो हिडिम्बा का मंदिर है, ठीक है, वो पैगोड़ा शैली से बना हुआ है, उसी प्रकार से ये हटेश्वरी मंदिर की जो शैली है, वास्तुकला है, वो आपसे पूछी गई है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है, ये स्तूपाकार शैली सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांगड़ा कलम की शैली की कांगड़ा की 18वीं शताब्दी की चित्रकला में निम्न में से ऐसे किस विषय वस्तु पर चित्र नहीं है? तो सब पर चित्र है इन पर, ठीक है, सिर्फ ये जैसे कि जो पद्मावत है इस पर चित्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बताना आप जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सोच के चलेगा कि ये क्वेश्चन आएगा। आपको बताना था, वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में इसकी 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और उस समय थी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, और उस समय जो महिला सदस्य थी, ठीक है, वो थी 3। अब यह 2019, ठीक है, और 2019 में जो संख्या है वो है 4, ठीक है। और 4 कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है आशा कुमारी डलहौजी से, ठीक है, आशा कुमारी है, सरवीन चौधरी है, कमलेश रानी है, ठीक है, तो ये 4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो जियोरी, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु जोतों का प्रतिशत कितना था? तो इसका जो डी है वो सही होगा। क्वेश्चन को आप नोट करते जाएगा, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की चौपाल सहतील की सुंगराटे दंगार कुराखेरा पलीखेरा कंडम डंडेरा में लाइम स्टोन, ठीक है,
लाइमस्टोन की गुणवत्ता मात्रा का पता लगाने के लिए किस कंपनी को संभावित लाइसेंस जारी किया गया है। ये 2016 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो मै रिलायंस सीमेंटेशन इसको जारी किया गया था, ये लाइमस्टोन की गुणवत्ता का ये मात्रा का पता लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, किस हिमाचली क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता पूर्व लाहौर से सुदर्शन चक्कर हाईलाइट किया, मीन्स कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। किस हिमाचली क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता से पूर्व सुदर्शन चक्कर नाम पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका जो ए बी सी डी इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो बी है इंद्रपाल, ये इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है। तो आपको इसका आंसर बताना था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कुल्लू एंड लाहौल के लेखक है, ठीक है, ये है जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, सी जी ब्रूस, ये सही है। और जो आर्चर है, ठीक है, इनका नाम भी किसी बुक से मिलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर मैं अगली पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सी बुक है इनकी, आर्चर की, इनकी भी एक फेमस बुक है, तो इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2015-16 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड इनमें से किसे दिया गया था। आपको ये बताना था, पी वी संधु, साक्षी मलिक, जीतू रॉय, एम भूभूति। तो इसका जो ए है वो सही है, 1, 2, 3 जो ये है, ठीक है, इनका सही है, ठीक है। 2015-16 का ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो शाखा घोष, ये सही है, ठीक है, एक बार आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आलोक कुमार वर्मा थे उस समय, ठीक है। अभी कौन है वो आपको बताना है, आपको पता होना चाहिए, आलोक वर्मा और अभी एक और थे, ठीक है, अभी उस जिनके बीच अभी सीबीआई में जंग चली थी, ठीक है, तो उनका नाम, और आपको बताना है कि अभी वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, उस टाइम ही आलोक वर्मा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, पाकिस्तान के इतिहास में तहमीना झंझुआ किस पद को संभालने वाली पहली महिला है, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसकी जो विदेश सचिव है, ये सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, इसमें दिया गया कि आपको बताना है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों को लिविंग एंटिटीज कहा गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1, 2, ठीक है, 3, 4, ये सही है इसमें, तो बी जो है बिल्कुल सही है, 1, 2, 4। भारत में जीवन पर्यंत लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या, तो ये 68.3 ईयर, ठीक है। बे जिला जहाँ से उत्तर भारत के राज्यों के दो मुख्यमंत्री 2017 है, किस राज्य में, जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि बे जिला जहाँ से उत्तर प्रदेश के राज्यों के दो मुख्यमंत्री, ठीक है, तो इसका है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड, इसका जो सी है वो बिल्कुल सही होगा, आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो ए है कोलकाता उच्च न्यायालय के, ये बिल्कुल सही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है, तो ए जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसमें ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, ठीक है, बीसी कौन है, तो ये आपको बताना था, और इसका राइट आंसर क्या है वो आप बताइए, बी, ठीक है, विजय भाटकर। अब जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, नोटा विकल का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था, तो नोटा का प्रयोग सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था 2013 में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से किन्हें दिया गया था। डॉक्टर देव प्रसाद वेदी, सदगुरु जग्गी वासुदेव, शरद पवार, सुंदरलाल पटवावा। ठीक है, पटवा। तो इसका जो ये है, ठीक है, 1, 2, 3, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये आपको बताना था। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए परंतु राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, इट मीन्स MLA नहीं थे ये। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश के कौन है आप समझ गए होगे। ठीक है, एक थे राज्य के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, BJP के, और एक मुख्यमंत्री। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इसका जो बेंगलुरु डी, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, डोनाल्ड ट्रंप USA के कौन से राष्ट्रपति है। नंबर में पूछा है तो 45 या 45वें राष्ट्रपति है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, ये आपको बताना है। जॉन मैनुअल स्ट्रॉन्स को 2016 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ये आपको बताना था, और इसका जो राइट आंसर था वो है शांति के लिए, ने 2016 का पुरस्कार दिया गया था। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, पहले आप ये समझिएगा, उसके बाद ये महासचिव, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस, और किस देश के, ये आपको बताना था। अब UNO जो, इसकी स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था एक दिन कि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, UNO की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्यों हुई थी, क्योंकि उस टाइम जो विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम में अगर ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होता तो फिर तीसरा जो वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो जाना था, थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसको रोकने के लिए पहले बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जब उसको रोकने के लिए, दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए नाकाम रही, तो फिर बना था ये संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, शांति की स्थापना और युद्ध ना हो भविष्य में, इसके लिए ये बना था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब जिसमें पूछा गया कि महासचिव, तो महासचिव कौन है इसका भी, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, बॉन की मून, जो पिछली वीडियो हमने आपको बताई है उसमें ही हमने बताया था। ठीक है, अब जो एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है, ये कहाँ से है, ये है पुर्तगाल के, और जो बॉन की मून थे वो कहाँ थे, साउथ कोरिया के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, मार्गरेट द्वीप जहाँ स्टारवा गुटनबर्ग स्नैप शिखर सम्मेलन हुआ किस देश में है, तो ये वेनेजुएला में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन था, नाना साहिब जो 1857 के, ठीक है, 1857 के ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे कौन थे। 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसमें जो लड़े थे नाना साहिब वो कौन थे, वो आपको बताना था। इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र। ठीक है, ये इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, आज की जो कांग्रेस है इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी। तो अधिवेशन जो था मुंबई में हुआ था, आज की मुंबई जो है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 19वीं और 20वीं शताब्दी के किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुट रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है थियोसोफिकल सोसाइटी ने, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भारतीय कांग्रेस के नरम दल से नेता नहीं था, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं था, तो अरविंदो घोष ये नरम दल के नेता नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो आपको बताना था।
और इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था, इसलिए आज ये कराची में ही आज भी। ठीक है, निम्न में से लंदन में कर्जन बाइली की किसने गोली चलाकर हत्या की? तो इसका जो सही आंसर था वो है मदनलाल ढिंगरा, इन्होंने इसकी हत्या की थी। और अगला क्वेश्चन था, मोंटेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की? मोंटेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के लिए घोषणा कब की? तो ये 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई थी। भारत में जितने वायसराय गवर्नर जनरल थे उन पर हम अलग से अगला पार्ट लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया था, और फिर आपको बार बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन था, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो कहाँ हुई थी? तो ये तस्कंद में हुई थी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन था, 2017 का कौन सा महीना गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? ठीक है, तो अप्रैल जो है ये सही है, क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? ठीक है, तो ये बरदौली का जो सत्याग्रह था, ठीक है, इससे इनको सरदार की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, सैटेलाइट गमाइट क्या है? तो ये आपको बताना था, इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के सीमाना क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये आपको बताना, तो इसको सिराडो कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील का जो सीमाना क्षेत्र है इसको सिराडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, निम्न में से किसने द अनसटेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, इनमें से कौन है? तो इसका जो है J.A. Steers इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? ये आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 54 है, और इसका जो राइट आंसर है वो जमुना में, ये जब ब्रह्मपुत्र जो तीस्ता में शामिल हो जाती है तो फिर बाद में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रबाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया, परंतु इसके कुछ अन्य परिणाम भी हुए, निम्न में से कथनों पर विचार करिए। ये गेहूँ के मामले में सफलता परंतु दालों के मामले में नहीं, सही है ये। ठीक है, और इसमें अंतर राज्य विषमताएँ आई। ठीक है, इसमें राज्यों में छोटा बड़ा इसमें हुआ। ठीक है, तो ये भी सही है। और मृदा की उर्वरता को वापस लौटाने की सहायता की, तो ये गलत है। ठीक है, और कुछ राज्य में भूमिगत जल स्तर को कम कर दिया, तो ये सही है। ठीक है, तो 1, 2, 4 जो इसके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन था आपका कि भिंडा नाव खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही, प्रशांत महासागर। ठीक है, आपको बताना था ये तालिका जो आपके खदाने और खनिज दिए हुए, तो आपको इसमें बताना था। ठीक है, कॉलम आपके स्क्रीन पर आ रहे। ठीक है, आपको ये मैच करने, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और कौन सी खदान से कौन सा खनिज निकला था वो आपको बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन हम आपको बता रहे, बी जो इसका सही है। ठीक है, बी को आप मैच कर लीजिएगा, अगर आप स्क्रीन शॉट ले रहे तो इसको बी जो है वो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है डी। ठीक है, तो इसको भी आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बताने लगे तो बहुत टाइम फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप, ये डी जो है इनको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन था, बर्गिस के कॉन्स्ट्रिक्ट जोन मंडल में 5वां रैंक क्या इंगित करता है? तो इसका है कंप्यूटर जोन। ठीक है, 16 का आंसर है, और ये 16 क्वेश्चन पेपर है HPPSC का। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से क्वेश्चन पेपर आपको बता रहे हैं, पूरी जानकारी जो है हम आपको इस चैनल के जरिए देंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट चाहिए तो हिम तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार के ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो
तो हिम नॉलेज पर आप बने रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतने, नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद।